नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालबा तहसील की टप्पा तहसील शिवपुर थाने में अपनी 13 वर्षीय सौतेली बहन से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी की सगी मां ने ही थाने पहुंच मामला दर्ज कराया है। मां ने बताया कि उसके बेटे ने ही उसकी सौतेली 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है। वही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवपुर थाना प्रभारी संजीव पवार ने बताया कि गुरुवार शाम को एक महिला ने थाने पहुंच पूरी घटना की जानकारी दी। महिला ने बताया कि उसके सगे बेटे ने उसकी 13 वर्षीय नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। पूरे मामले का पता तब चला जब नाबालिग लड़की ने पूरी बात अपनी सौतेली माँ को बताई। आपको बता दें कि फरियादी के पति की मौत हो चुकी है। पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पीड़िता अपनी सौतेली मां के साथ शिवपुर थाने पहुंची एवं अपने सौतेले भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी यशवंत उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वही पीड़िता का मेडिकल कर उसके बयान भी दर्ज किए गए हैं। फरियादी की शिकायत पर से थाना शिवपुर में अपराध क्रमांक 214/22 धारा 376(3), 376(2)(n), 376(2)(f), IPC 5/6, 501 के तहत मामला दर्ज किया गया है।